सत श्री अकाल पी टी सी न्यूज़ देखने वाले साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल कावी बब्बर। वेला है देश प्रदेश दीआं खबरां दा, पर उस तो पहले एक अहम खबर आ रही है, उसका पहला जरूर रुख करते हैं। गुरुद्वारा साहब की प्रधानगी लैके फरीदकोट दे विच इक वड्डा विवाद हुंदा होया नजर आया। दरअसल गुरुद्वारे की प्रधानगी लैके दो गुट आपस दे विच इस दौरान भीड़े भी हैं। तस्वीरां भी तुहाडे नाल जरूर साझा करांगे जो बेहद दुखदाई देखने को मिल रही मिलिया ने कि गुरुद्वारा साहब दे विच तलवारां चलदियां होईयां नजर आईयां ने। फरीदकोट की जर्मन कलोनी दी घटनाएं जिथों के गुरुद्वारा साहब दे विच जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित सन तां गुरु महाराज की मौजूदगी दे विच अजिही तस्वीर देखने को मिली जो बेहद ज्यादा दुखदाई रही है। पिंडां दे विच तस्वीरां देखने को मिल रही ने कि दोहां धिरां दीआं इस दौरान पग्गां भी लगदियां होईयां नजर आईयां। वाकई बेहद ज्यादा दुखदाई तस्वीर आज देखने को मिल रही है फरीदकोट तो, जिथे गुरुद्वारा साहब दे विच गुरु महाराज की हजूरी दे विच जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित सन तां उत्थे दो कुल आपस दे विच बुरी तरह के नाल भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे दियां पग्गां उतारते हुए नजर आ रहे ने, वह भी सिर्फ प्रधानगी नूं लैके। वाकई बेहद ज्यादा दुखदाई, वाकई बेहद ज्यादा शर्मसार करन वाली तस्वीर जो देखने को मिल रही है, क्योंकि गुरु महाराज की हजूरी दे विच अजिही तस्वीर सामने आना सिखां दे हिरदे ने इस नाल वलुंदर दे जांदे ने। तां फरीदकोट तो तस्वीर गुरुद्वारा दसी जा रही है, फरीदकोट की जर्मन कलोनी की घटना दसी जा रही है। अमनदीप लखी बने हुए ने, उन्हां दा भी रुख कर लैने आ। अमनदीप जानना चाहवांगे इस पूरे मामले दे बारे ते हुण फिलहाल किहो जिहा माहौल उत्थे देखण नूं मिल रहा है। देखो काफी बड़ी शर्मनाक घटना जिहड़ी होई हैगी आ, बड़ी हिरदे वलुंदर वाली जिहड़ी घटना हैगी आ कि गुरुद्वारा साहिब दे विच मर्यादा भंग कीती गई है। गुरुद्वारा साहिब दी प्रधानगी नूं लैके जर्मन कलोनी है जो कि नवा किला फरीदकोट नूं जांदिया होया पिंड नूं ते रस्ते दे विच खड्डे हथ आउंदी है, उत्थों दे गुरुद्वारा साहिब दी प्रधानगी नूं लैके पिछलियां दो तीन चार महीनियां तो जिहड़ी हैगीआं इह जिहड़ियां रड़क हैगी आ जिहड़ी उह चल रही सीगी, ते मौजूदा प्रधान जिहड़े जसवंत सिंह हैगे ने ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਧੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰੋ ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਸਡੀਪੀਸੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਹਿਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਣ ਧਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਘਰਮੱਸ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
मतलब कि शब्दों नाल अभी कही कि मैं कह दा वा कि अभी एक मैक सिख होने के नाते मैं अपने आप बहुत वड्डा शर्मनाक महसूस कर रहे खिलाफ लड़ता है ते सविष्कार दोवें धिरां एक दूसरे दियां पग्गां ला रही ने। यह बहुत ज्यादा माड़ी हरकत इसनूं कहा जा सकता है क्योंकि अगर किसी दूसरे वर्ग ने लड़ाई होंगी है अगर पग की बेदबी होंगी है दस्तार की बेदबी होंगी है तो सख्त एक्शन लिता जाता है पर दो जो सरदार लड़ते ने सिखी स्वरूप के लड़ते ने पग्गां लाते ने उस तो बाद ये तस्वीर होर भी ज्यादा शर्मसार है इसनूं आख्या जा सकता है। SJPC इस ते की कुछ एक्शन होर भी लै सकती है पूछना चाहवांगे इस ते। देखो मैं तुहानूं जानकारी दे दिया कि ये थोड़ी देर दे अंदर अंदर ही बहुत वड्डी गिणती विच SJPC नूं मैसेज गए ने व्हाट्सएप गए ने ते अकाल तख्त साहब दे किना दफ्तर दे विच बहुत सारे मैसेज गए ने कि ये जिहड़ा कुछ वापर रहा वा इहनां ते सख्त कार्रवाई होनी चाहीदी आ। ठीक है कि SJPC इस गल लई अपना एक वफद जरूर भेजेगी पर मैनूं इदां लगदा कि अकाल तख्त साहब वल्लों इस मामले च वड्डा अज में कोई फैसला लिया जाएगा क्योंकि जो अज असीं देख रहे हैं इस गल नाल असीं सारे इस गल लई बड़े शर्मिंदा हाँ। तो मैनूं लगदा भी जिस तरह लोगों ने आम आवाम ने इन्हां दा इन्हां दे धड़ां धड़ां विचों पता नहीं किसी के वल्लों आया होगा नहीं आया होगा पर आम संगत ने इस गल नूं माड़ी करना कहिंदे आ SJPC तक पहुंच की जानी शुरू कर दी है नाल ही अकाल तख्त साहब से जिहड़े आ मैसेज जिहड़े आउणे जिहड़े शुरू हो गए ने। सो आने वाले दिनों के अंदर इस बारे इनू गंभीरता लिया जाएगा लेना भी चाहिए भावे कोई भी क्यों ना हो इस मामले च मैं संगत को भी अपील करा थोड़े द्वारा कि ये लोग भावे कोई एक धिर से दोनी धिरा ये असं अपील करा कि ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया लोग प्रबंधन के लायक नहीं है क्योंकि मेरी कही हुई गल किसी धड़े ना जोड़ी जाए पर मैं एक सिख होने के नाते ये गल करदा कि संगत इस गल का फैसला करे कि ये लोग कोई भी होण वो कोई भी जिहड़े आ प्रबंध दे विच जिहड़े लायक नहीं हैगे माफ करना कि मैं बहुत महान नहीं हैगा पर ये लोग जिहड़ा ने ये प्रदर्शन किया गुरु ग्रंथ साहिब की हाजरी च भै खत्म करके पग्गां लाइया दस्तारां लाइया दाड़ियां पुटियां ये बहुत माड़ी गल आ। ये संगत नूं ये गल फैसले लैणे पैणगे कि इहो जे लोग प्रबंध विच तों लांभे कर देने चाहिए। जी ठीक है गुरचरण सिंह गरेवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा जुड़न दे लई PDC दे नाल। सो गुरचरण सिंह गरेवाल जो SJPC मैंबर ने कहंदे होए नजर आए कि श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब दे वल्लों इस ते सख्त एक्शन लिता जाएगा। रुक कर लैने एक बार फिर तो अमनदीप लक्की बने हुए ने। अमनदीप साड़ी गल SJPC मैंबर दे नाल भी हुई उन्हां दे वल्लों भी इस पूरी घटना ते दुख सहार किया गया कहंदे नजर आए कि SJPC इस तो बाद सख्त एक्शन लवेगी पर जो वाकई जिहड़ी गल हुण जो देखण नूं मिल रही है अमनदीप के गोलकां दी लड़ाई कही जा सकदी जिवें गुरचरण सिंह गरेवाल कहते हुए नजर आए प्रधानगी नूं लैके अन्ना ज्यादा सियासत गरमांदी हुई नजर आ रही है कि गुरु साहब की हजूरी दे विच ये सब हो रहा है एक दूजे दी पग्गां लाइयां जा रही ने दाड़ियां पुटियां जा रही ने वाकई बेहद ज्यादा दुखदाई है। सो अमनदीप का भी एक बार फिर तो रुक करने की कोशिश जरूर करांगे पर एक बार फिर तो तस्वीर तुहाडे नाल जरूर सांझियां कर दिए। ये तस्वीर फरीदकोट तो सामने आई ने जर्मन कलोनी दी तस्वीर जिथे बुरी तरह के नाल दो गुट भेड़ते हुए नजर आए गुरु साहिबान की मौजूदगी दे विच एक दूसरे उत्ते तलवारां चलाईयां गईयां ने दस्तारां एक दूसरे दियां रोलियां गईयां ने इत्थों तक कि यह साविष्कार दो धिर लड़दियां हुईयां नजर आईया ने। इस आविष्कार SJPC मैंबर जो गलबात की गई गुरचरण गरेवाल ये कहते हुए नजर आए कि श्रोमणी कमेटी इस पर सख्त एक्शन लवेगी श्री अकाल तख्त साहब के वालों सख्त एक्शन लिता जाएगा पर वाकई जो असं देख रहे हैं खालसा पंथ सरदार सिख कौम जिसको आख्या जाता है जोड़ा जबर से जुलम के खिलाफ लड़ता है जोड़ी अपनी महानता दे लंगर के लिए जाने जाता है सेवा भाव के लिए जाने जाता है पर इस सब विचकार जो तस्वीर देख रही ने होर भी ज़्यादा शर्मसार कर दिंदियां ने। रुक कर लैने एक बार फिर तो अमनदीप लक्की बने हुए ने। अमनदीप वाकई बेहद ज़्यादा शर्मसार घटना रही SJPC मैंबर के नाल भी गलबात हुई कहिंदे सख्त एक्शन लिता जाएगा पर उदाहरण अजिही कायम की जानी चाहिए है ता जो अजिही हरकत दोबारा कभी भी ना हो। देखो कावी जी यही घटना वापरी हैगी बड़ी शर्मनाक घटना हैगी और कितने ना कि जाके साड़ी SJPC ने जी गुरुद्वार साहब की सांभ संभाल से लगी हुई हैगी उन्होंने कितने ना कि जाके इंटरफेरेंस करके योजना घटनावां अगे तो भी रोकिया जा सके इस करके कोई ना कोई सख्त कदम चकने चाहिए है सिख संगत की और लोग
लोगों की भी आवाज हैगी है, लेकिन जिस तरीके वीडियो के देख रहे हो दारियां हाथ पाया जा रहा है, पग्गां लत रही है, गुरु साहब की हजूरी के जिहड़े शस्त्र जिहड़े असीं सजाउंदे हैगे आ वो शस्त्र चक के तलवारां चक के तलवारां एक दूजे दे मारियां जा रही है, तो बड़ा मंदभागा हैगा इहदे विच जिहड़े व्यक्ति जिहड़े अपने इंजर्ड होए हैगे आ, जिहड़े फट्टड़ होए हैगे आ जां जिन्हां दे सट्टां लगियां हैगियां, कुछ दे गंभीर सट्टां भी लगियां, उन्हां नूं हस्पताल दे विच दाखल कराया हैगा। तो मैं समझदा कितना ना कितें जिहड़ी लड़ाई होई है इहदे विच जिहड़ी गल सामने आ रही हैगी कितें ना कितें सियासी दखलअंदाजी हैगी इहदे विच दिसी जा रही हैगी आ, क्योंकि मौजूदा प्रधान है वो एक धिर ने और दूसरी धिर हैगी है जी उन्होंने एलीगेशन लगा रही हैगी है कि यह सानू गाली गलोच कर रहे थे और माड़े शब्द जोड़े उन्होंने बोले जा रहे थे पिछले दो तीन महीनों को। तो मैं समझता है कि कितने ना कि SGPC को वड्डा कदम चुकन की लोड़ हैगी है, जो जिस तरीके महाराज की हजूरी के इन्होंने जोड़ा बेदबी वांग जोड़ा यह काम किया है, एक जी मर्यादा भंग की हैगी है, इन्होंने जी सजा मिले और इन्हें सजा मिलने के नाल जी दूसरिया घटनावान है उन्होंने फल जरूर पेगी, उन्होंने स्नेहा जरूर लगेगा कि अभी यह गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी के महाराज की हजूरी के अभी योजे अगे तो जी है कोई कार्रवाई का काम नहीं करना है। वाकई क्योंकि अमन फिलहाल थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों लिए जानकारी ली, पर जो एक मिसाल कायम खालसा पंथ ने की है दुनिया भर के बहुत ज़्यादा महान है, पर इस साविष्कार जो तस्वीर सामने आ जाती ने बहुत ही ज़्यादा माड़ी उदाहरण भी कायम कर दिया ने। हालांकि जरूर यह साविष्कार किया जा रहा है कि सख्त एक्शन लिता जाएगा, अजिही घटना दोबारा ना हो इसका खास ध्यान रखा जाएगा, पर अज जो तस्वीर देखने को मिली ने फरीदकोट की जर्मन कलोनी दियाँ जिथे एक दूसरे दस्तारा लाते हुए नजर आए ने, दाढ़ी पुड़ते हुए नजर आए ने, गुरुद्वारा साहब गुरु महाराज की हजूरी के तलवारा लहराते हुए नजर आए ने। यह वाकई बहुत ज्यादा शर्मसार घटना है, सिख जगत के हिरदे वलुंदर वाल हिरदे वलुंदरण वाली घटना है। देख सकते तस्वीरों के बच्चे भी इस दौरान मौजूद ने, जख्मी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा हुए ने जिन्होंने अस्पताल ले जाया जा रहा है, पर प्रधानगी लैके जो भिड़ंत हुई है प्रधानगी मुख्य कारण दसया जा रहा है, संगरान का दिन से इस करके संगत भी वड्डी गिणती दे विच नतमस्तक होने लई गुरुद्वारा साहिबान दे विच पहुंची हुई सी। तो ये तस्वीर जो आई ने उसनू इस पूरी तस्वीर ने वाकई सिख जगत को शर्मसार करने वाली एक होर ज़्यादा मिसाल दे दी है, जो होर भी ज़्यादा परेशान करने वाली तस्वीर माफ करना दे दी है, जिस तो बाद यही अपील की जा रही है कि सख्त एक्शन इस साविष्कार लिया जाए। एक बार फिर तो तुम तस्वीर दिखा दी है गुरुद्वारा साहिब की है, प्रधानगी लैके दो गुट आपस के भिड़े ने, फरीदकोट की जर्मन कलोनी की यह घटना दसी जा रही है, भिड़न एक दूसरे दस्तारा लाइया गई, तलवारां चलाईयां गईयां, एक दूसरे के नाल गाली गलोच करते हुए नजर आए, महिलावां बच्चे इस साविष्कार नजर आए ने। जबर ते जुलम के खिलाफ लड़न वाले सिख जदों इस साविष्कार लड़ते ने गुरुद्वारा साहिब दे विच लड़ते ने, तो बहुत ज़्यादा माड़ा ते बहुत माड़ा प्रभाव पूरी दुनिया उत्ते पैंदा है, क्योंकि सिख संगत खालसा पंथ जिहड़ा हमेशा ही अपनी सेवा भावना दे लई जाणिया जांदा है, दरिया दिली दे लई जाणिया जांदा है, पर जदों इह जिहियां तस्वीरां आंदियां ने उह बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ सिखां नूं बल्कि होर धर्म के भी लोग जिहड़े सिख संगत की वाहवाही करते ने, तरीफा करते ने, उन्हां दी सेवा भावना नूं लैके उन्हां दी दरिया दिली नूं लैके उह भी इस आविष्कार सवालिया निशान उह भी इस आविष्कार लगा दिंदे ने कि आखिर सिख संगत ये की कर रही है। सिख संगत जिहड़ी हमेशा ही अपने कम्मां दे लई जानी जांदी है गुरुद्वारा साहिब दे विच ये कुछ कर रही है, प्रधानगी नूं लैके ये भिड़ंत हुई है। इस तों पहले SGPC मैंबर दे नाल गुरचरण गरेवाल दे नाल भी गलबात हुई, उन्हां दे वल्लों भी यही कहना रहा कि प्रधानगी नूं लैके खास तौर पर जो देखा जा रहा है कि गोलक की लड़ाई जो सामने आ रही है उसने शर्मसार कर दिता है पूरे दे पूरे समाज नूं, सिख संगत। इतने रुकांगे ब्रेक दे लई, ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला रहेगा जारी।